और अभी हम पहुँचे हैं बेरी पड़ाव में। अभी हमने तेल उल भरवा के अब हम निकल रहे हैं, और बार मौसम भी काफ़ी ख़राब है, यहाँ तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं आगे का मौसम क्या है, आगे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं किच्छा, और अभी यहाँ मौसम देख सकते हैं आप लोग, बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। और हम पहुंच गए हैं नानक मत्ता, और ये नानक सागर का डैम है, और इसी के वजह से नानक मत्ता फेमस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डैम है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत दूर दूर तक इसमें, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, और बरसात में तो इसमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने। तो कभी आप लोग भी आइए नानक मत्ता घूमने, और यहाँ का फुल मज़ा लीजिए। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लेकिन अभी बरसात है तो बोटिंग हो नहीं रही है, और बोटिंग भी होती है यहाँ। और यहाँ पे ये लेके जा रहे हैं गाड़ी को बैग, क्योंकि हमने पीछे देखी थी दुकान में गरम गरम जलेबी बन रही थी, तो हम जलेबी लेने के लिए दोबारा वापस आ गए हैं, और देखते हैं यहाँ पे जलेबी कैसी बन रही है। और यहाँ पे भैया बना रहे हैं जलेबी, और हम लेंगे यहाँ पे गरम गरम जलेबी। ये करवा दिए इन्होंने जलेबी पर, और वहाँ बन रहे हैं समोसे। समोसे बनने में तो अभी थोड़ा टाइम है जलेबी, और अब हम बारिश में खाएंगे गरम गरम जलेबी। बढ़िया बनी है जलेबी, कुछ भी नहीं है। ये हैं दीदी के घर बूढ़ा, ये देखो ये दीदी की नर्सरी भी है। चलो ये देख सकते हैं आप लोग, ये नर्सरी भी है इसकी। और ये बनाई है दीदी ने नर्सरी, तो यहाँ पे कई किस्म के पेड़ है। ये आप लोग देख सकते हैं कई किस्म के प्लांट यहाँ पे लगाए हैं दीदी ने। और ये स्ट्रॉबेरी भी लगाई है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी है। ये है कैक्टस, अच्छा। और अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर, दीदी के घर, चाय पानी पी के अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मम्मी के घर को। ये है मेरी दीदी, हाय। और ये गए हैं अभी दुकान में समोसे लेने। नमस्ते, हाँ वह बढ़िया। और यहाँ से ले रहे हैं हम समोसे। भैया कितने हैं समोसे? बस आठ ही हैं। चलो ले ही लो फिर। और बारिश तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिएगा आप लोग, यहाँ खेतों पे लगी हुई है रुपाई, और कहीं कहीं पे लगनी बची है। और अभी बारिश इतनी हो गई है कि लोगों के तेल की बचत हो गई है डीजल की, तो बारिश के पानी से ही इनका काम चल गया है, तो ये लगा रहे हैं यहाँ पे रुपाई। ये देखो बरसात के वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है रुपाई लगाने में, तो यहाँ लग रही है रुपाई। और अब हम पहुँच गए हैं मम्मी के घर में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4, और अब हमारा हो रहा है घर जाने का टाइम, तो अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
से ले जा रही हूँ मैं हरी सब्जी और प्याज और अचार। छोटे टमाटर क्यों नहीं खाने के लिए पथरी घर से। और यहाँ गोट में है दीदी की बकरियाँ।